बिहार में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के रिकॉर्ड 7,800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद वहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 39,000 के पार पहुंच चुकी है। अकेले राजधानी पटना में कोरोना के करीब 1900 मरीज मिले हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटे में गया में 610, मुजफ्फरपुर में 541, बेगूसराय में 326, भागलपुर में 322 और पूर्वी चंपारण में 269 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन की आहट भी सुनाई दे रही है, हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। एक दिन पहले कोरोना के बेकाबू रफ्तार को लेकर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सभी दलों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना से निपटने पर चर्चा हुई। खबर है कि आज सीएम नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ सख्त कदम उठा सकते हैं। नवी